शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा के नेतृत्व में शिव सैनिक पवित्र सावन मास में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, मास मदिरा की दुकानें बंद कराए जाने आदि मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि सावन मास के पवित्र महीने में साफ सफाई व सड़कें गड्ढा मुक्त की जाए, मास मदिरा की दुकानें बंद करने व बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से करने की व्यवस्था कराई जाए। कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन में लाखों कांवड़िए ब्रजघाट हरिद्वार से जल लेकर मुरादाबाद आते हैं व आसपास के जनपदों में कांवर भक्त मुरादाबाद होकर गुजरते हैं। वर्तमान में महानगर में चारों ओर पानी भरा है, सड़कों में गड्ढे हैं, जिससे कांवड़ भक्तों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ भक्तों को उचित सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई गई है। एक दिवसीय भूख हड़ताल के विषय में जानकारी देते हुए जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा ने बताया, भूख हड़ताल में मनोज कुमार, विजय सेठ, मंजू राठौर, आशाराम पाल, दयाराम प्रजापति, कासिम मंसूरी, राकेश कश्यप एवं मुकेश वर्मा आदि शामिल रहे। डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहार सावन मास में मीट की दुकानें बंद कराने हेतु, शराब की दुकानें बंद कराने हेतु और कांवड़ियों के लिए सड़कें गड्ढा मुक्त कराने हेतु, साफ सफाई की व्यवस्था कराने हेतु, भोजन और स्वस्थ शिविर लगाने हेतु आज शिव सैनिकों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की है। ज्ञात हो कि विगत सप्ताह भी शिव सैनिकों ने कांवड़ियों के सम्मान में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। उसमें मांग की गई थी कि सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएँ, साफ सफाई की जाए और मंदिरों में साफ सफाई की जाए, कांवड़ियों के लिए स्वस्थ और भोजन शिविर लगाए जाएं तथा मीट की दुकानों की तरह ही शराब की दुकानें भी बंद की जाएं। ज्ञात हो कि मुरादाबाद प्रशासन ने लगभग 500 मीट दुकानदारों को, जो मीट बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, दो महीने के लिए उनके पेट पर लात मार दी है, जबकि शराब, गांजा और भांग की दुकानें लगातार खुल रही हैं। ये दुकानें तत्काल बंद होनी चाहिए। मीट की दुकानों के साथ साथ शराब, गांजा और भांग की दुकानें भी तत्काल बंद होनी। आज हमारा एक दिवसीय धरना है, भूख हड़ताल है यहाँ पर। अगर दो तीन दिन के अंदर अंदर शराब की दुकानें भी बंद नहीं की गई तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए कमिश्नर कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन करेंगे।